नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा इंडिया जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा इंडिया का जो मामला है काफ़ी दिनों से फंसा हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, कार्यकर्ता बंधु देख रहे हैं। अभी हाल ही में लखनऊ के सहारा हेड ऑफिस पर ईडी की छापेमारी हुई। उसी ईडी की छापेमारी से संबंधित काफ़ी बड़ा फ्रॉड भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक वीडियो क्लिप आपको सर्वप्रथम हम दिखाएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए हम सीधे ले चलते हैं उस वीडियो क्लिप की ओर। तो आइए सीधा हम यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ईडी की टीम ने सहारा के कपूरथला स्थित कार्यालय से भी 12 पेन ड्राइव में डिजिटल डेटा, कंप्यूटर की 20 से ज्यादा हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। साथ ही तमाम चल अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें कई बेशकीमती भूखंडों की रजिस्ट्री के दस्तावेज भी शामिल हैं। इन संपत्तियों के मालिक के बारे में जब ईडी के अधिकारियों ने कर्मचारियों से जवाब तलब किया तो सहारा के पदाधिकारी कोई भी जवाब नहीं दे सके। शुरुआती दो दिनों तक चले छापों के दौरान जाँच अधिकारियों का सहयोग नहीं करने पर गुरुवार देर रात दफ्तर के कई कमरों और केबिन के ताले तोड़कर वहां मौजूद दस्तावेज को कब्जे में लेना शुरू कर दिया ईडी ने। सूत्रों के माने तो ईडी द्वारा जल्द ही सोसाइटी और कंपनियों से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए कोलकाता भी तलब किया जाएगा, यानी वहां बुलाया जाएगा। तो एक तो अब ये नए फ्रॉड का खुलासा सामने आ रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार भी अब एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। और वो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सहारा श्री के घर पर चल सकता है बुलडोजर। 100 एकड़ जमीन की लीज भी कैंसिल की एलडीए की बोर्ड में ये बड़ा फैसला लिया गया। लगभग ये तय हो चुका है कि लखनऊ में सहारा श्री के महल पर अब बुलडोजर चलेगा, क्योंकि 5 शर्तें पूरी नहीं करने पर 100 एकड़ लीज को भी कैंसिल कर दिया है। ग्रीन बेल्ट पर कब्जे की कहानी सुनकर भी आप चौंक जाओगे। एलडीए ने 29 साल पहले 5 शर्तों के साथ सहारा इंडिया को 100 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए दिया था, ठीक है। लेकिन सहारा इंडिया ने इस जमीन पर डेवलपमेंट तो नहीं किया, उल्टा अपना कब्जा करके अपना घर बना लिया। सहारा श्री ने अपना महल खड़ा कर लिया, निवेशकों का ध्यान नहीं रखा, जबकि ये जो जमीन लीज पर दी गई थी ये सहारा इंडिया को ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट के लिए दी गई थी। जिन शर्तों के तहत इस जमीन की लीज का एग्रीमेंट हुआ था उन शर्तों का पालन नहीं किया गया। तो अब सहारा श्री तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद अब उनकी इस जमीन को भी लीज से कैंसिल कर दिया गया है। और अब उनके जो ये महल की तस्वीरें आप देख पा रहे, इस महल पर भी बुलडोजर चल सकता है। ये 5 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं इन 5 शर्तों को जिन्हें पूरा नहीं किया गया सहारा इंडिया की तरफ से, और यही वजह है कि लीज कैंसिल की गई। 50 एकड़ जमीन पर नर्सरी डेवलप करना था, जॉगिंग ट्रैक बनाना था, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाना था, फुहारे लगाने थे और ग्रीन बेल्ट की विज्ञापन पट्टिका लगानी थी, लेकिन इनमें से कोई काम पूरा नहीं हुआ। ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए जो जमीन दी गई थी उसके बारे में कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं। ये समझौता 1995 को हुआ था लखनऊ नगर निगम और सहारा इंडिया कंपनी के बीच, लेकिन इस समझौते के तहत कोई काम नहीं हो पाया। जबकि सहारा का महल खड़ा हुआ दिख रहा आपको यहाँ तस्वीर में, आप देख सकते हैं, और इस महल को अब बुलडोजर से ढाया जा सकता है, क्योंकि योगी सरकार का बुलडोजर किसी को नहीं देखता है। और सहारा मामले पर एक और अपडेट आ रहा। सहारा फ्रॉड मामले में पूर्व रीजनल मैनेजर को भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में सहारा इंडिया के पूर्व रीजनल मैनेजर थे। कोतवाली पुलिस ने बिलासपुर से इन्हें गिरफ्तार किया। ये कई दिनों से फरार भी चल रहे थे, मतलब अरेस्ट वारंट था इनके खिलाफ पहले भी। तो अभी 2 दिन पहले सहारा इंडिया के पूर्व रीजनल मैनेजर को छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई। अभी भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सभी निवेशकों के दिल में जहन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा, वो ये दोस्तों कि सहारा निवेशकों का पैसा क्या उन्हें मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलेगा तो कब तक मिल पाएगा। क्योंकि पहले निवेशक लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ गए, नई सरकार भी बन गई, और नई सरकार के बड़े फैसलों में और इस नई सरकार के जो चुनावी घोषणा पत्र थे उनमें कहीं भी हमें सहारा इंडिया के मामले से जुड़ा केस सोल्व हो ऐसी घोषणाएं देखने को नहीं मिली है। हालांकि आपको पता होगा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, और पोर्टल के जरिए 10,000 रुपए के शुरुआती किस्त में पैसे देने की बात भी कही गई थी, लोगों के रजिस्ट्रेशन भी करवाए गए, लेकिन वो प्रोसेस में भी लोगों को कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की भी प्रोसेस काफी धीमी चल रही है और उस पर भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज के काफी इश्यू आ रहे हैं लोगों को। अब दोस्तों, एक ही जो आशा की किरण बची हुई है वो ये कि इसी महीने 23 जुलाई को बजट आने वाला है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार बजट के दौरान भी सहारा इंडिया के निवेशकों को राजी करने के लिए कुछ ऐसी घोषणा कर सकती है जिससे कि निवेशकों का पैसा उन्हें जल्द से जल्द मिल पाए। अब ये तो वक्त ही बताएगा, 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट अनाउंस करेगी तो उस दौरान। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देखा, इसमें ये बताया जा रहा है जो ईडी की छापेमारी अभी 8-9 दिन पहले हुई थी,
सहारा के हेड ऑफिस लखनऊ पर। सहारा के लखनऊ हेड ऑफिस के अतिरिक्त भी कई जगहों पर हुई, लगभग 6 ठिकानों पर हुई इसकी छापेमारी। तो अभी 11 जुलाई को ईडी ने अपना प्रेस डिटेल्स भी रिलीज कर दिया था, तो उसकी तो जानकारी हमने आप सभी को प्रोवाइड कर दी थी। जिन लोगों ने प्रेस डिटेल्स वाला वीडियो नहीं देखा होगा वो लोग जाकर के ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ पड़ा है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, जो ईडी की छापेमारी हुई है, इस ईडी की छापेमारी जो जो वस्तुएँ मिली हैं वहाँ से, जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके अकॉर्डिंग, उन्हीं में से जो 700 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं उन्हीं को लेकर के ये फ्रॉडगिरी का मामला सामने नज़र आया है। तो उसी के ये तस्वीरें आप सभी को दिखाई गई हैं, तो देख लिया होगा आपने वीडियो क्लिप में। अब हम बात करते हैं भुगतान को लेकर के। दोस्तों, जो हम लोगों का भुगतान है कुछ ही दिनों में मिलने के संकेत मिल रहे हैं, लगातार कार्यवाही चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। हम लोगों का जो भुगतान इतने दिन से रुका हुआ पड़ा है सहारा इंडिया कंपनी की अलग अलग सोसाइटियों का, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 12 से 13 करोड़ गरीब सहारा जमाकर्ता का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ पड़ा है। इसको लेकर के कहीं पर भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, जो सहारा रिफंड पोर्टल हम लोगों के लिए लाया गया था, ये एक तरफ से कह सकते हैं पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब इसके माध्यम से भुगतान हम लोगों का नहीं हो पाएगा। हो क्यों नहीं पाएगा? अब आप लोग खुद इतने से अंदाज़ा लगा लिए होंगे, एक वर्ष पूरा हो गया है, 18 जुलाई को हो जाएगा। आज 14 जुलाई की डेट हो चुकी है, 4 दिन मात्र कम है, पूरा एक वर्ष हो गया है सहारा रिफंड पोर्टल पर हम लोगों को आवेदन किए हुए, अप्लाई किए हुए फॉर्म को, लेकिन अभी तक कहीं पर भी भुगतान नहीं मिल पाया है। तो हम लोगों की जो लड़ाई है, लगातार संघर्ष जारी है, उसी के माध्यम से जब तक सहारा ऑफिस नहीं खुलेंगे तब तक भुगतान नहीं होगा। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सहारा के जितने भी ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस हैं, ब्रांचेस हैं, सभी को रीओपन किया जाएगा और उसके बाद में हम लोगों का जो कैश जमा है उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। दोस्तों, तो यही जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हुए थे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपनी राय भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखा करें। तो इसी के साथ हम अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।